महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सटे भिवंडी में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ डीसीपी योगेश चौहान ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीसीपी योगेश चौहान की माने तो उनके पास गुप्तचर विभाग से अति महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिसमें भिवंडी और उससे सटे शांति नगर और नारपोली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रहने की सूचना मिली थी। इतना ही नहीं, इन बांग्लादेशियों के पास पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिन पर 3 टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 40 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 28 मोबाइल फोन और 95,000 के आसपास नकदी बरामद की गई। जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि भाई भिवंडी और अपना आजू बाजू का जो एरिया है उसमें लगभग 50 के ऊपर के बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते हैं, ऐसी खबर मिली। वो हिसाब से 8 दिन से हमारा ये काम चल रहा था। हमारे एसीपी ढोले साहब, वड़के साहब, शीतल राउत साहब, जो है हमने मिलके ये तय किया कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वही हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है। और शांतिनगर में 20 जो है, शांतिनगर में 20 लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है। सीआर नंबर 827 ऑफिस 2021 परकीय नागरिक कायदा 1948 सेक्शन 13123 और परकीय नागरिक कायदा 1946 के 14 के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1967-12 वैसे ही जो है परकीय नागरिक रिपोर्ट टू पुलिस आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुनाह दाखिल किया है। शांतिनगर वैसा ही गुनाह नारपुली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो सीआर नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें से अप्लाई किया है हमने और जो है 10 आरोपी उसमें अरेस्ट है। आरोपी मतलब जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिससे जो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे ये थे, हमने वेरिफिकेशन करके। और तीसरा मामला भिवंडी शहर में दर्ज किया गया है, उसमें भी 10 बांग्लादेशी जो है नागरिक उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। सीआर नंबर 456/21 के तहत वो जो मैंने सेक्शन बताया अभी उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज है। टोटल कुल मिला के 40 बांग्लादेशी जो है अपने एरिया में रह रहे थे भिवंडी और जोन के अंदर में, उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है, ताबे में लिया है और उनको जो है 2 दिन की पीसी मिली है।